राज्य की सभी 10 लोकसभा सीटों की मतगणना मंगलवार को होगी। मतों की गिनती के लिए 40 केंद्र बनाए गए हैं। सभी केंद्रों पर 3 परत में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। नूह जिले के उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने आज मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि नूह जिले की 3 विधानसभाओं की YMD कॉलेज में मतगणना को लेकर रिहर्सल चल रही है। किसी प्रकार की कोई भी ढील नहीं बरती जाएगी। अपनी तरफ से उन्होंने सभी तैयारियां कर ली हैं। सुनिए उपायुक्त धीरेन्द्र ने क्या कहा। देखिए, यहाँ पर 3-टायर सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है और इसके अंतर्गत जो पैरामिलिट्री है उन्होंने स्ट्रांग रूम कर रखा है। इसके आउटर कॉर्डन में जो है स्टेट रिजर्व आर्म है, उसके आगे जो है पुलिस ने ले रखा है। और हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, दोनों सभी तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको हम समय समय पर सूचित करेंगे और उनसे भी हम उसमें जो भी हमको लगता है कि कोई अगर हमें करने की ज़रूरत है तो हम वो भी इंश्योर करेंगे। कल सुबह 8 बजे से है, पहले पोस्टल बैलेट की होगी, फिर उसके बाद अपना VVM की। वहीं नूह से हमारे सहयोगी अनिल मोहनिया की मतगणना को लेकर ये खास रिपोर्ट देखें। कल लोकसभा चुनाव के मतगणना होनी है, 4 तारीख है कल, लेकिन आज 3 तारीख को मतगणना की फाइनल रिहर्सल जो होती है वह आज यासीन मेव डिग्री कॉलेज है नूह का, उसमें फाइनल रिहर्सल चल रही है। नूह जिले की 3 विधानसभा, नूह, फिरोजपुर, झिरका और पुनाना, 3 विधानसभा की आज फाइनल रिहर्सल यासीन मेव डिग्री कॉलेज में कराई जा रही है। आपको हम तस्वीर दिखाएंगे कि यहाँ पर जो अधिकारी व कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटी किस तरीके से लगाई गई है, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर नूह जिले की 3 विधानसभा में मतगणना के लिए 39 टेबल लगाई गई हैं। इसके साथ साथ मतगणना के लिए 165 अधिकारी व कर्मचारी लगाए गए हैं। और बात करें जो मतगणना हैं उनमें 55 मतगणना सुपरवाइजर तथा 55 मतगणना सहायक व 55 मतगणना माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं नूह जिले के लिए, क्योंकि नूह जिले में 3 विधानसभा आती हैं, नूह, फिरोजपुर, झिरका और पुनाना। 3 विधानसभा की यासीन मेव डिग्री कॉलेज है, यहाँ पर आज फाइनल रिहर्सल हुई है जिसमें नूह उपायुक्त धीरेन्द्र खड़खड़ा पहुँचे हैं और उन्होंने 3 विधानसभा के अलग अलग मतगणना केंद्रों पर जाकर जो कर्मचारी व अधिकारी जिनकी ड्यूटी लगी है उनको मतगणना के बारे में पूरी जानकारी दी है कि किस तरीके से मतगणना कल के लिए करानी है। पंजाब केसरी TV के लिए नूह मेवात से अनिल मोहनिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।